नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? जबरदस्त, यस। अब तक जितनी दूध में, मट्ठे में, दही में जो छाछ होती है ना, वो छाछ निकल चुकी है और जो बची है वो सारी की सारी क्रीम और सारी की सारी मक्खन बची है मेरे सामने। यस और नो? क्या आप सभी मानते हैं आप हिंदुस्तान के क्रीम लोग हैं? मट्ठे का क्या करते हैं? ज्यादातर जब पीते भी नहीं तो उसे नाली में बहा देते हैं, कितना करें? यस और नो? तो मट्ठा जा चुका है, क्रीम क्रीम बची हुई है। अब जो हमारे सामने लोग बोलते हैं कि सर हर आदमी कामयाब क्यों नहीं होता, जवाब मिला आज कुछ जवाब मिला? जवाब यही है सर कि हर आदमी सुनना नहीं चाहता, हर आदमी बैठना नहीं चाहता, हर आदमी समय देना नहीं चाहता और इसीलिए हर आदमी कामयाब भी नहीं होता। हाँ भाई साहब, वो जो परे बैठे हैं, हेलो, हाँ हाँ, वो जो परे बैठे हैं और जो उनसे भी परे बैठे हैं, हाँ हाँ, वही कोई जाकर उन्हें कह दो हम उन पे मरे बैठे हैं। पर गुमा ना हो जाए तुम्हें अपने हुस्न पर, क्योंकि महफिल में यहां उनसे भी खरे खरे बैठे हैं। माइसेल्फ राजीव कुमार और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार रुड़की से बिलोंग करता हूं। आज से लगभग 4 साल पहले मुझे फेसबुक के द्वारा AWPL का जलवा देखने का मौका, आपकी तरह नहीं, एक पे आउट देखा 36,50,000 रुपए का और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया और मैंने उनसे संपर्क किया कि सर क्या वाकई में इतना पैसा आता है? सर ने बोला कि मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं क्या? और मैंने कहा नहीं सर, आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो जरूर मैं मानूंगा और सर मुझे मिलना है। मैं सर से मिलने के लिए अपने घर से 500 किलोमीटर दूर गए, इसको देखने, जिसको आप आज देख रहे हैं, इस काम को देखने के लिए मैं 500 किलोमीटर दूर गया और वहां का टिकट था 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए का टिकट लिया, सर से मुलाकात हुई, चीजों को समझा और एक आदमी जिसने उस 500 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए अपनी वाइफ की आखिरी अंगूठी, क्योंकि उससे पहले मैं अपनी वाइफ की कंगन, मंगलसूत्र, हार, कुंडल, पापा की चैन, मम्मी के कुंडल, अपने खुद का चैन, ये सब कुछ मुथूट फाइनेंस और ये फाइनेंस, वो फाइनेंस, सुनार के पास रख चुका था। एकमात्र वो एक अंगूठी थी जो 10-12 हजार रुपए की थी, 5-5.5 हजार में वो गिरवी रखी गई और मैंने उससे हरिद्वार से जयपुर की यात्रा करी और AWPL को जानने का मौका मिला और महागुरु जी से मिलने का मौका मिला। एक जोरदार तालियां हमारे महागुरु जी, हमारे भगवान महागुरु जी महिपाल सर के लिए, जोरदार सर, जोरदार।
और जो इंसान कभी चार सवा चार साल पहले इस हालत 70 लाख रुपए के कर्जे में था, आज ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, आज केवल और केवल दिन के लगभग 45,000 रुपए, महीने के 14 लाख रुपए कमाता है। अब आप मुझे बताएं कि जिंदगी बदलना, और जिंदगी बदलना इसको नहीं कहते तो फिर किसको जिंदगी बदलना कहते हैं? 70 लाख रुपए का कर्जा, जब 70 लाख रुपए का कर्जा मेरे ऊपर था, मैंने महागुरु जी से बोला कि गुरु जी 70 लाख रुपए का कर्जा है, क्या हो सकता है कि AWPL से उतर जाए? तो गुरु जी ने बोला कि राजीव प्लान फिर लगता है, ढंग से नहीं देखा, प्लान 70 करोड़ का है, अगर 70 करोड़ का कर्जा होता तो AWPL में ताकत है कि वो उतार सकता है। जोश वो नहीं है जो माहौल में आए, जोश वो है जो माहौल के बाद भी एक इंसान जब जोशीला रहता है। अभी माहौल अच्छा है, महागुरु जी आने वाले हैं, इतनी बेहतरीन तरीके से डांस परफॉर्मेंस होने वाले, और भी और डांस परफॉर्मेंस होने वाले, तो जोश वो नहीं है जो इस माहौल को देखकर है। क्या इस माहौल के बाद जब आप अपने घर जाएंगे और फील्ड में जाएंगे, क्या तब भी आप जोशीले रह सकते हैं? लग रहा है, क्या रह सकते हैं? क्या रह सकते हैं? असली समझदार इंसान वो नहीं होता जो कहीं बैठकर दो दिन के लिए समझदारी की बातें करे, असली समझदार इंसान वो होता है जो जिंदगी के अंतिम सांस तक समझदारी की बातें करे। और अच्छा लीडर और जोशीला लीडर वो नहीं होता कि माहौल में आया चक रहे पट्टे लटकाट देंगे। बड़ा लीडर वो नहीं है, बड़ा लीडर वो है, जोशीला लीडर वो है, स्थिति कैसी भी आ जाए, जब चेक ना आए, जब विपरीत परिस्थितियां चले, जब घर वाले उसको पीछे धकेले, जब उसकी वाइफ उसको मने करे, जब उसके पड़ोसी उसको मने करे, और फिर भी वो बोले कि आई एम द बेस्ट, मैं बन के रहूंगा डायमंड, आई एम द बेस्ट, मैं बन के रहूंगा डायमंड। असली जोशीला लीडर वो होता है। क्या आप हैं वो? क्या आप हैं सभी? यस दोस्तों, 70 लाख रुपए का कर्जा था। और एक बात बताओ, जिस पे कर्जा होता है वो इंसान कैसा होता है? कहते हैं कि एक इंसान जिंदगी में एक बार मरता है, लेकिन कर्जदार आदमी रोज मरता है। यस और नो? यस और नो? लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, वास्तव में जो कर्जदार आदमी होता है ना, वो बहुत टैलेंटेड इंसान होता है। क्या होता है? टैलेंटेड इंसान होता है। आप मुझे एक बात बताइए, बैंक आपको 50,000 रुपए का जब लोन देती है, पैन कार्ड मांगती है, आधार कार्ड मांगती है, घर देखता है, गारंटर देखता है, और फिर बोलती है यू आर नॉट एलिजिबल, आपको 50,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। यस और नो? यस और नो? यार ये आपका भाई आपके सामने खड़ा है, इसको 70 लाख रुपए लोगों ने दिए, किसी ने 5 लाख दिए, किसी ने 8 लाख दिए, किसी ने 10 लाख दिए, बैंक वालों ने 15 लाख दिए, गाड़ी वालों ने 8 लाख दिए, अरे दम है आपके भाई में, इसलिए 70 लाख रुपए दिए। यस और नो? तो जिस पे जितना बड़ा कर्जा, वो हिंदुस्तान का उतना महान आदमी। यस और नो? विजय माल्या पे कितना है? 10,000 करोड़। नीरव मोदी शायद 12,000 करोड़। यस और नो? तो इतना पैसा, इतना कर्जा, अगर आपके ऊपर भी इनमें से कुछ है, तो इसका मतलब यह है कि आप भी दमदार पर्सनैलिटी हैं और आप भी AWPL में डायमंड हो सकते हैं। क्या मेरे जैसे कुछ लोग बैठे हैं यहां पर? बैठे हैं दोस्तों। इसके बाद जो स्पीच आने वाली है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, वो वास्तव में एक क्लाइमैक्स है। जब हम लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो सत्यनारायण की कथा करने के बाद लास्ट में क्या मिलता है? प्रसाद और चरणामृत। यस और नो? वो जो चरणामृत मिलता है, प्रसाद मिलता है लास्ट में, वो अभी थोड़ी देर के बाद आपको मिलने वाला है। आप और हम इस मीटिंग में बहुत देर से उपस्थित हैं। जब अर्जुन अपनी वाइफ को, जब वो गर्भवती थी,
तो चक्रव्यूह को तोड़ने की पूरी कहानी पूरे तरीके बता रहा था। तो आपको पता है कि अभिमन्यु उस समय पेट में था, उसने सारी बातों को सीखा, कैसे कैसे करके मैं लड़ाई लड़ूंगा, कैसे कैसे मैं लोगों को हराऊंगा। लेकिन जब चक्रव्यूह बन जाए, उसको तोड़ने की जो ज्ञान की बात थी ना, आखिर में जो उसकी वाइफ थी, मेरे से अभी नाम ध्यान नहीं है, वो सो गई थी, सुना है हमने। यानी सुबह से लेकर अब तक के प्रोग्राम में आपने जितनी बातों को देखा, अगर आप महागुरु जी महिपाल सर को लास्ट में सुनने से रह गए, तो हो सकता है कि जिंदगी का चक्रव्यूह आप ना तोड़ पाए। इस जिंदगी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपको आखिर तक डटे रहना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा कि सुनना है तो सुनो, जो अब आने वाले हैं, अगर नहाना है तो गंगा में नहाओ, नदी नालों में क्या रखा है, और अगर सुनना है तो महागुरु जी महिपाल सर को सुनो। अरे राजीव में क्या, कुछ लोग बोल रखा है। आखिर में दोस्तों, जब हम AWPL की शुरुआत करते हैं तो शुरू शुरू में बहुत सारी मुश्किलें परेशानी भी आएंगी, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यास भी मिटेगी और पीने का मजा भी आएगा। मत थक मत रुक ए मंजिल के मुसाफिर, मत थक मत रुक ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और ए वतन की राख, ए वतन की राख, जरा एड़िया तो रगड़ने दे, ए वतन की राख, जरा एड़िया तो रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। सारे सपने अगर कामयाब होंगे तो एक और एक प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ AWPL से होंगे, मात्र AWPL से होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो ब्रांड एम्बेसडर। थैंक यू।